बीएससी के बाद आपको एमएससी करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। लेकिन करंट ट्रेंड में अभी और इसके आगे 10-15 साल जो ट्रेंड चलने वाला है, तो वो कौन से सब्जेक्ट उसमें कवर होते हैं, तो उसमें से एक सब्जेक्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एक्चुअली मतलब क्या रहता है, तो उस नाम में ही छुपा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का डेटा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में से बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन निकाला बाय यूजिंग टूल्स और सॉफ्टवेयर्स, इसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एक्चुअली बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है दैट डेवलप्स मेथड एंड सॉफ्टवेयर्स टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। इसे आगे कहा जा सकता है कि इट इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा। जैसे जेनेटिक कोड जो होता है उससे कॉम्प्लेक्स जो जेनेटिक कोड सिंप्लीफाई करना बाय यूजिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स, ये आता है मेनली काम रहता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। जनरली कौन कौन से सेक्टर में इसके एप्लीकेशन है, आगे हम इसके बारे में डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट बताना चाहूँगा तो वो है बायोमेडिसिन, उसमें यूज होता है, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ऑर्गेनिस्मल बायोलॉजी, ये सेक्टर है जहाँ पे ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स करियर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊँगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर आपको करियर करना है तो उसमें कौन क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स है, तो वो कोर्स है एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके बारे में डिटेल्स में सब्जेक्ट के बारे में भी मैं बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसके डेजिग्नेशंस क्या हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी नॉलेज आपको यहाँ पे मिल सकती है, ये कोर्स जब आप कंप्लीट कर चुके तब तक ये आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सकती है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि हेल्थ केयर सेक्टर में अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो वो है इन हेल्थ केयर प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो कंबाइंड सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और हेल्थ केयर में, दोनों में इंडिविजुअल जो है उसमें बहुत सैचुरेशन हो चुका है, तो उसमें दोनों मिला के जो नए इनोवेशन होते जा रहे हैं, स्टार्टअप जो आते जा रहे हैं, उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो उसके लिए जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप आगे जाके करना चाहते हैं या फिर बहुत ही बड़ी कंपनी में आपका करियर करना चाहते हैं विद अच्छी सैलरी, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज एक वेरी गुड ऑप्शन। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखिए, यहाँ पे पूरी डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर और बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स के रिलेटेड वेरियस कोर्सेस के वीडियोज़ बनाता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियो सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, अगर ये कोर्स करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री कौन सी होनी चाहिए। एक्चुअली बैचलर ऑफ फार्मेसी होगी तो ये एलिजिबल रहते हैं, या फिर बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस, ये भी हेल्थ साइंस के स्टूडेंट्स ये कोर्स कर सकते हैं। और रही बात बीएससी की, तो बीएससी के लोग भी ये कोर्स कर सकते हैं, मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, ये स्टूडेंट्स ये कोर्स चूज करते हैं। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं उसके बाद एंट्रेंस वगैरह होती है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट एंट्रेंस लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहती है, तो हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग टेस्ट रहती है। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, फिर भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी ये इसके एंट्रेंस लेती है, तो वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, फिर बनारस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, और फिर भारतीय विद्यापीठ पुणे और इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स पुणे, ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस लेते हैं। तो अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, कितने ड्यूरेशन का एक कोर्स है, तो लगभग 2 साल का एक कोर्स है। फीस की बात करेंगे तो वो है 1-4 लाख, डिपेंड है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर रहती है। तो ये हो गया फीस के बारे में। अब मैं बताऊंगा कौन सी नॉलेज आपको मिलेगी ये कोर्स
आप जब करते हैं तब कौन कौन सी नॉलेज आपको शेयर की जाएगी। तो उसमें पहले डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे रहते हैं ये आप सीखेंगे, फिर एग्रो बायोटेक्नोलॉजी क्या रहता है ये आप सीखेंगे, फिर कंपेरेटिव जीनोमिक्स क्या रहता है इसके बारे में आप पूरे डिटेल्स में सीखेंगे, फिर एनालिसिस ऑफ म्यूटेशन इन कैंसर क्या होता है ये सीखेंगे, एनालिसिस ऑफ न्यू ड्रग्स एंड वैक्सीन कैसे प्रिपेयर करते हैं ये आप सीखेंगे, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर्स फॉर बायोलॉजिस्ट। जैसे मैंने बताया हेल्थ केयर और आईटी कंबाइन होकर ये कोर्स बनता है, तो आपको सॉफ्टवेयर भी बहुत सारा नॉलेज आपको इसमें मिलेगा। तो ये नॉलेज के बारे में हो गया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। एक्चुअली सेमेस्टर पैटर्न रहता है, फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में 2 सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट है, तो वो है बेसिक मैथमेटिक्स, फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स आप सीखेंगे, फिर आप सीखेंगे बायो मोलिक्यूल्स और लास्ट में सीखेंगे सेल डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो ये होगा फर्स्ट सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में आप क्या सीखेंगे, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स फर्स्ट ये एक सब्जेक्ट है वो सीखेंगे। सेकंड है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बायोलॉजी, फिर आप सीखेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी, फिर आप सीखेंगे डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम्स क्या होते हैं ये आप सीखेंगे, फिर इंटरनेट एंड वेब बेस्ड प्रोग्राम ये क्या होता है ये आप सीखेंगे। तो ये होगा सेकंड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में आप क्या सीखेंगे सेकंड ईयर में, तो वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेकंड सब्जेक्ट ये आप सीखेंगे, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये आप सीखेंगे, फिर रिकॉम्बिनेंट जावा प्रोग्रामिंग ये आप सीखेंगे, और जावा प्रोग्रामिंग क्या होता है ये भी आप सीखेंगे। तो ये हो गया थर्ड सेमेस्टर, और लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वाइवाहोस होता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट के बारे में। तो अब बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे, अगर आप एडमिशन का सोच रहे हैं इसमें करना, इतना अच्छा स्कोप है, तो कौन कौन से एडमिशन कौन कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हैं इससे करने के लिए। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, लेकिन मैं बहुत कम इंस्टीट्यूट बताता हूँ जो मुझे मालूम है, जो अच्छा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। उसमें पहले एमिटी यूनिवर्सिटी, फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, फिर है डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, फिर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ये हो गया इंस्टीट्यूट के बारे में। तो अब ये सारा कोर्स के डिटेल मैंने बता दिए, लेकिन अब जॉब क्या, जॉब का क्या, तो जॉब के डेजिग्नेशन और उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें मैं 5 डेजिग्नेशन बताऊंगा और उसके जॉब के प्रोफाइल बताऊंगा। तो पहला जॉब है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट। एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ये क्या होता है, तो वो है डिटरमाइन पेयर दैट क्रिएट्स डीएनए, डीएनए जो क्रिएट होता है उस पर काम करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाता है डिसीज का डेप्थ में जाके आप स्टडी करते हैं यूजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। सेकंड डेजिग्नेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स ट्रेनर। अब ये क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया बायोलॉजिकल डेटा, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन निकालना जो अवेलेबल बायोलॉजिकल डेटा है उसमें से बाय यूजिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स। तो ये मेजरली काम रहता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स ट्रेनर का। थर्ड डेजिग्नेशन है बायो स्टैटिसियन। एक्चुअली इन हेल्थ केयर सेक्टर ये डेजिग्नेशन ज़्यादा यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में वैक्सीन प्रिपेयर करने में, ड्रग्स प्रिपेयर करने में ये काम करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च एसोसिएट। एक्चुअली ज़्यादा काम करते हैं टिश्यू कल्चर पे, जो टेस्ट रहता है या एसेज रहते हैं उस पर काम करते हैं। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट जो है, तो यहाँ पे ये काम करते हैं, इसका डिजिग्नेशन ये रहता है रिसर्च एसोसिएट। फिर लास्ट डिजिग्नेशन टीम लीडर, ये क्या करते हैं जो इन्वेंटरी जो स्टॉक्स है वो मेंटेन रखना, ये पूरे डिटेल्स का जो डेटा है उसको मेंटेन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, तो वो है टीम लीडर की। तो ये दोस्तों मैंने डिटेल्स में बताया। अब सैलरी की बात करते हैं। एक्चुअली डिपेंड है इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूट से आप कर चुके हैं क्या, और फिर कौन से कंपनी में आप जाते हैं, ये फैक्टर मैटर करते हैं। लेकिन फिर भी मिनिमम 20 to 30,000 पर मंथ आप यहाँ पर सैलरी पा सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने डिटेल्स में बताया एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बहुत अच्छा लगता है जब कोई मैंने बहुत सारे कोर्सेज पे वीडियो बनाए एमएससी के, तो कोई रिक्वेस्ट आती है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की भी रिक्वेस्ट आई थी। इससे मुझे भी मदद मिलती है कि मुझे भी ये सेक्टर के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। जब रिक्वेस्ट ज़्यादा आई तब मैं तब ढूंढने लगा, और उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये भी एक रैपिडली ग्रोविंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है।
तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो देते आप मुझे देते रहिए, इसके अकॉर्डिंग मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और मैं आपको वैल्यूएबल नॉलेज वो शेयर करूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।